आज हम करेंगे बेहतरीन का मुवाज़ना बेहतरीन के साथ। पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त अगर मैं या चक्री रोड पे अगर आसपास की मैं अगर सोसाइटीज़ देखूँ तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 5 साल के प्लान के साथ आया हो। तो ये बहुत ही लाइक मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छा पॉइंट है लोगों का। कह लो कि उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो ज़्यादा ज़्यादा पैसे करके दे सके, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 5 साल का टाइम मिल जाएगा और आप 5 साल में अपनी किस्तें जो हैं आराम से दे देंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कंपैरिजन, वैसे आप नॉर्मली हम बहुत से सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, इसका कंपैरिजन मैंने इसलिए करना चाहा बिकॉज लोगों को बहुत से क्यूरीज थी इस तरह की कि इनके पीछे कौन है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के पीछे मास्टर माइंड जो है वो एक ही है, वो है चौधरी अब्दुलमजीद साहब। हाँ, ये है कि मल्टी गार्डन जो है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है MPCHS, उसमें काफ़ी अर्से से अबॉटिकल हिस्सा नहीं रहे चौधरी अब्दुलमजीद साहब, लेकिन मल्टी को डिज़ाइन करने वाले, मल्टी इस टाइम जिस पोजीशन पर है उसका जो रुतबा है वो चौधरी अब्दुलमजीद साहब की वजह से ही है। उनका काम, उनकी डिलीवरी, उनका जो पैशन है रियल इस्टेट इंडस्ट्री की तरफ, उसी की वजह से MPCHS आज इस मुकाम पे है। लोकेशन दोनों की सेम है, चक्री रोड पे लोकेटेड है मल्टी। जैसे मैंने आपको बताया वो 5 साल का पेमेंट प्लान है उसका, और फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो 4.5 ईयर्स का प्लान है उसका। मल्टी थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू फैसल टाउन अगर मैं बताऊँ, बट मल्टी जो है वो 5 साल का पेमेंट प्लान है। और पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो 5 साल का पेमेंट प्लान जिसका हो, जो 5 साल के पेमेंट प्लान के साथ लॉन्च किया हो, ऐसा कोई मंसूबा है ही नहीं। चक्री के इर्द गिर्द कह लूँ, अगर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद ओवरऑल में बात करूँ तो ऐसा कोई ऐसी कोई हाउसिंग सोसाइटी है ही नहीं, ऐसा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है ही नहीं जो 5 साल के पेमेंट प्लान के साथ किया गया हो, लॉन्च किया गया हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि दोनों ही इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस हैं। चौधरी अब्दुलमजीद साहब की ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो अपने वो जो सोसाइटीज़ लॉन्च करते हैं उनके पेमेंट प्लान में जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो शामिल करके देते हैं, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा आगे जाके इशू ना हो, और काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं देखा जाए तो अपने प्रोजेक्ट्स में लोगों को। फैसल टाउन जो फैसल टाउन फेज़ 2 जो था, अब ऑब्वियसली उसकी बुकिंग क्लोज़ हो चुकी है, 3-4 दिन के अंदर अंदर डील उन्होंने ख़त्म कर ली थी, और मेरे ख्याल से बहुत ही रिकॉर्ड टाइम किया था उन्होंने रियल इस्टेट उसमें। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो फैसल टाउन फेज़ 2 में 5 मरला का जो प्लॉट था वो 27,95,000 का था, और अब तो ऑब्वियसली उसकी प्री लॉन्च बुकिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है। अभी डेट नहीं आई कि उसकी बुकिंग कब शुरू होंगी या क्या सीन होगा, लेकिन जैसे जैसे होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और इसके साथ साथ मल्टी में अगर मैं आपको 5.5 मरला का अगर बताऊं तो वो 30,80,000 का है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि इन्होंने एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इस तरह आपको फैसिलिटेट कर दिया कि 5 साल का पेमेंट प्लान कर दिया, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जैसे मैंने आपको बार बार फोकस करी उस चीज़ पर कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 5 साल के उसके साथ आया हो। तो इस कंपैरिजन का मतलब ये था कि चॉइस आपकी है कि आपने किसके अंदर सरमायाकारी करनी है। फैसल टाउन फेज 2 की तो ऑब्वियसली प्री लॉन्च बुकिंग बंद हो चुकी है, तो आपके पास फिलहाल जो है अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स में बताऊं तो उसमें मल्टी गार्डन फेज 2 है जिसमें इस वक्त आप सरमायाकारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, और जिस चीज़ के साथ, जिस हाउसिंग सोसाइटी के साथ चौधरी अब्दुलमजीद साहब का नाम जुड़ जाता है, मेरे ख्याल से उसकी बल्ले बल्ले या उसकी वाह वाह जो है वो वैसे ही हो जाती है। तो उसमें आपको क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनको पता होता है कि उनके पास प्रोजेक्ट किस तरह के थे और वो किस तरह का काम जो है वो पास्ट में करते हैं। अगर पास्ट के काम से अगर आप लोगों ने वाकिफ होना है या ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मल्टी गार्डन फेज 2 की और इन सब चीज़ों की वीडियोस जो है वो मिलेंगी। मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस कंपेरिजन का मतलब ये था ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि इनके पीछे मास्टर माइंड कौन है और कौन से ज़्यादा बेहतर है, और ये सब चीज़ें, ये सब मेन जो फोकस था ना वो इन चीज़ पर था, बिकॉज बहुत से क्लाइंट्स हमारे आते हैं वो पूछते हैं कि इसका ओनर कौन है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ओनर कोई भी नहीं होता, वो हर 3 साल बाद चेंज हो जाता है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो चौधरी अब्दुलमजीद साहब ही हैं, क्योंकि MPCHS को वजूद में लाने वाले, उसको इस मुकाम पे खड़ा करने वाले चौधरी अब्दुलमजीद साहब खुद थे। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे ऑफिसेज भी विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारिया, गुजरखान में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।